देख सकते हो मैं अभी कोटक में थर्मल पावर प्लांट के यहाँ पे आया हुआ हूँ, जहाँ से थर्मल निकलती है। आप देख सकते हो इधर थर्मल पावर प्लांट आपको दिख रहा होगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे चंबल के कोटा बैराज है, उसके दो गेट खोले जा चुके हैं। इस साल राजस्थान चंबल नदी में अच्छी तरीके से पानी आ रहा है और इधर गार्ड हमारे को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पूरा वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे शानदार लोकेशन आप देख सकते हो, इधर ये कोटा की पुड़िया आप देख सकते हो, और वास्तव में ये बहुत शानदार नज़ारा है। और यहाँ पे इस गार्ड भाई को शायद ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे किसी को नहीं जाने दिया जाए, मगर हमारे को यहाँ पर आना पड़ा आपको ये सारी लाइव। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपने देखा कोटा बैराज। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बताएंगे। तो कोटा बैराज का ये शानदार नज़ारा आप देख सकते हो, पीछे आपको बताना चाहेंगे यही कोटा बैराज है। और यहाँ पे ये बड़े बड़े गेट लगाए हुए हैं जो कि पानी को रोके हुए रखते हैं, और पूरी की पूरी चंबल नदी यहाँ पे आके रुक जाती है। और आज आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, पीछे जो आप बड़े बड़े वो चिमनियाँ देख रहे हो, वही चिमनियाँ हैं जिसके द्वारा बिजली निर्माण का कार्य किया जाता है। और वास्तव में ये बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है। और इधर आप देख सकते हो कोटा बैराज के ऊपर का ये रास्ता है। और मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बताने की कोशिश करूँगा और करता ही रहूँगा, उसी चरण में आप ये शानदार वीडियो देख सकते हो यहाँ की कितनी शानदार लोकेशन है। पीछे यहाँ पर कबूतरों के लिए कबूतर दाना क्षेत्र भी बनाया गया है, और यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत सारे लड़के आते हैं क्योंकि टूरिस्ट का एक अच्छा केंद्र है। मगर इस प्रकार की जगहों में जब भी आप जाएं तो बड़ी सावधानी के साथ जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई शारीरिक दुर्घटना नहीं हो। और इस प्रकार का नज़ारा मैं आपको आगे भी हमेशा बताता ही रहूँगा। तो पानी की आवाज़ को आप सुन सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे पानी निकल रहा है, कितनी आवाज़ कर रहा है पानी, ऐसा नज़ारा आपने बहुत कम बार देखा होगा। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो कोटा बैराज वाले इस ब्लॉग का अंत यहीं पे करते हैं। वास्तव में ये बहुत ही शानदार लोकेशन है, और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाऊंगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।